रेवाड़ी में सीएम फ्लाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रही 21 बसों को एम्पाउंड किया है। सीएम फ्लाई की टीम ने 10 दिन पहले भी 11 बसों पर कार्रवाई की थी और टीम का कहना है कि आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर अवैध संचालन किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। रेवाड़ी में निजी बसों का हो रहा संचालन, मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित 21 बसों पर की कार्रवाई। रेवाड़ी में लंबे समय से निजी बसों का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिससे रोडवेज विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और अवैध संचालन की शिकायत लगातार सीएम फ्लाइंग के पास पहुंच रही थी। लिहाजा सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुवार सुबह से ही निजी बसों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसमें नानोल रोड, झज्जर रोड, दिल्ली रोड और बनीपुर चौक पर निजी बसों की चेकिंग की गई और 21 बसों को बिना दस्तावेज, एक परमिट पर अतिरिक्त गेड़े लगाते पाया गया, जिसके बाद सभी 21 बसों को एम्पाउंड किया गया, जिनसे आरटी अधिकारी निर्धारित जुर्माना राशि वसूल कर रहे हैं। बता दें कि 10 दिन के भीतर रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 11 निजी बसों पर बिना दस्तावेज के संचालन करने पर एम्पाउंड किया गया था और अब 21 बसों को एम्पाउंड किया गया है। सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर अवैध संचालन किया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग का कहना है कि आगे भी उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीएम फ्लाइंग के अंदर काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी कि कुछ बसें बिना परमिट के चल रही हैं, कुछ बसों के पास परमिट है, वो अपने रूट के निर्धारित रूट के अलावा रूट पे चल रही है। कुछ बसों के अंदर सिंगल रूट का परमिट है, वो मल्टीपल ट्रिप लगा रही है। तो इस शिकायतों के आधार पर आज ये डिफरेंट लोकेशन पर चेकिंग की जा रही है और काफ़ी बसें हमें मिली हैं। काफ़ी बसों ने टैक्स भी पे नहीं किया हुआ है और इसमें हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर, कुल कितनी बसें पकड़ ली गई है? जिस पॉइंट पर यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ 6 बसें अभी तक राउंड अप हो चुकी हैं। डिफरेंट पॉकेट्स में, डिफरेंट नाकों पर 20+ बसें अभी तक मिल चुकी हैं।